ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ट्रबल फेस करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो आपने चैप्टर किया ही होगा और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बहुत सारे सवाल उसमें लगाए होंगे। तो उसमें जो सबसे जो ट्रिकी पोर्शन होता है दोस्तों, वो जो है कंस्टेंट इक्वेशन को लगाना होता है। कंस्टेंट इक्वेशन का मतलब ये है कि भाई अगर दो तीन ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो उनके मूवमेंट में क्या रिलेशन है, ये पता करना जो है सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम एक सवाल लेते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इस चीज को टैकल करेंगे, ओके। तो ये सवाल है आपके सामने। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वेज है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है और स्ट्रिंग जो है पुली के साथ एक वॉल में अटैच्ड है, ऑलराइट। और दोनों ब्लॉक स्मॉल m और कैपिटल m दोनों जो है मूव कर सकते हैं और हमने सिंप्लिसिटी सेक के लिए जो है फ्रिक्शन हर जगह एब्सेंट माना हुआ है, ऑलराइट। तो अब इसको हम लोग विजुलाइज करते हैं कि भाई जब स्मॉल m और कैपिटल m साथ में मूव करेंगे तो कैसा सिचुएशन रहेगा, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं जब स्मॉल m जो है ऐसा स्लाइड कर रहा है तो कैपिटल m भी ऐसा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऑलराइट। तो वेज का मूवमेंट है वो बहुत ही सिंपल है, वो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, राइट। तो अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो सबसे सिंपल मूवमेंट होता है वेज का। तो सबसे पहले हम लोग वेज का फ्रीबॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ऑलराइट। तो आपने ये यहाँ पर वेज बना लिया, ऑलराइट। तो कभी भी आप देखेगा पुली अगर वेज के साथ लगी हुई है तो पुली को आप कभी मत वेज से हटाइए, ऑलराइट। तो पुली आप वेज का ही पार्ट रखिए और पुली के साथ क्योंकि स्ट्रिंग लगी हुई है तो अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पर दो टेंशन इस तरह से लगेंगे, ऑलराइट। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, ऑलराइट। ऑफ कोर्स mg तो लगेगा ही वेज का, राइट। और नीचे से एक और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट। तो ये जो है फोर्सेस हो गए, ऑलराइट। अब आप देखेंगे कि इसका एक्सप्रेशन फॉरवर्ड है तो आप जो है एक वेक्टर यहां पे शो कर दीजिए एक्सप्रेशन का, तो स्मॉल a आप जो है वेज का एक्सप्रेशन ऐसे शो कर दीजिए, ऑलराइट। तो अब इस फ्रीवर्ड डायग्राम को साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं स्मॉल m के फ्रीबॉडी डायग्राम का, ऑलराइट। तो ये है स्मॉल m आपके सामने, राइट। तो इसमें क्योंकि स्ट्रिंग लगी हुई थी तो एक टेंशन गया ऊपर, ऑलराइट। अलोंग द वेज जो है mg sin थीटा, ऑलराइट, और परपेंडिकुलर वेज mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन इस पे जो स्मॉल m और कैपिटल m के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन था वही नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल m पे ऊपर की तरफ लगेगा, ऑलराइट। तो अब बात आती है इसके एक्सीलरेशन की, ऑलराइट। तो ऑफ कोर्स क्योंकि स्मॉल m कैपिटल m पे रखा हुआ है तो जो भी एक्सीलरेशन कैपिटल m का होगा वही एक्सीलरेशन स्मॉल m का भी होगा, राइट। तो मैं यहां पर सीधे सीधे एक एक्सीलरेशन स्मॉल a जो कि वेज का था स्मॉल m में भी शो कर देता हूं, ऑलराइट। बट प्रॉब्लम स्मॉल m के साथ ये है दोस्तों कि ना केवल वो वेज के साथ मूव कर रहा है, वो वेज के रिलेटिव भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक एक्सीलरेशन ऐसे शो किया हमने और एक एक्सीलरेशन हम वेज के अलोंग शो कर देते हैं, राइट। तो यहां पर हमने कैपिटल a शो कर दिया एक्सीलरेशन स्मॉल m का, तो वो जो कि रिलेटिव एक्सीलरेशन है वेज के अलोंग। अब मुझे ये जानना है दोस्तों कंस्टेंट इक्वेशन कि भाई कैपिटल a और स्मॉल a के बीच में रिलेशन क्या है, फाइन। तो इसके लिए हमको विजुलाइज करना पड़ेगा सिनेरियो, राइट। तो अब आप देख लीजिए जो सवाल था यहां पर उसमें अगर ये स्मॉल m 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है तो कैपिटल m कितना मूव करेगा। तो आप अगर ध्यान से देखेगा यहां पर एक कंस्ट्रेंट है और वो कंस्ट्रेंट जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर स्मॉल m 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है तो वो जो 1 सेंटीमीटर लेंथ स्ट्रिंग की जो एक्सटेंड हुई वो कहां से आई दोस्तों, वो जो वेज और वॉल के बीच में जो स्ट्रिंग लगी हुई थी वो 1 सेंटीमीटर वहां से घट गई और इसलिए जो है 1 सेंटीमीटर वो स्मॉल m कैपिटल m के अलोंग मूव कर पाया, ठीक है। तो इसलिए जो है जो भी मूवमेंट इसका अलोंग द इंक्लाइन होगा वही मूवमेंट वेज का पैरेलल टू द सरफेस भी होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्मॉल a जो है कैपिटल a के बराबर है, फाइन। तो यहां पर हम कैपिटल a के बजाय स्मॉल a ही लिखते हैं, राइट। तो नॉर्मली दोस्तों हमने ये देखा है कि हम लोग हमेशा फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सीलरेशन लिखते हैं, राइट। लेकिन इस सिनेरियो में हमें नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स नेट एक्सीलरेशन लिखना पड़ेगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब दोस्तों बारी आती है इक्वेशंस लिखने की,
राइट। तो सबसे पहले हम स्मॉल m की इक्वेशन लिखेंगे, राइट। तो स्मॉल m की जैसे कि हम देखते हैं अमूमन कि हम हमेशा वेज के पैरेलल और वेज के परपेंडिकुलर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर देखा जाए तो नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, नेट फोर्स होगा mg sin थीटा माइनस टेंशन, राइट, और दैट इज इक्वल टू a माइनस a cos थीटा, ठीक है। नेट एक्सप्रेशन होगा a माइनस a cos थीटा, फाइन। तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन जो है परपेंडिकुलर टू वेज होगी, और इस केस में परपेंडिकुलर टू वेज एक्सप्रेशन है, फाइन। तो परपेंडिकुलर टू वेज जो है इक्वेशन हो जाएगी mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इनटू a sin थीटा, फाइन। एक्सप्रेशन का एक कंपोनेंट a sin थीटा आएगा और इस डायरेक्शन में a cos थीटा आएगा, इसीलिए दूसरी इक्वेशन में a sin थीटा आ रहा है, राइट। तो ये दो इक्वेशन हो गई भाई स्मॉल m की। अब लिखते हैं हम इक्वेशन वेज की जो कि कैपिटल m है, ठीक है। तो अब हम इसको साइड में रखते हैं और ये रहा आपका वेज, राइट। तो इसमें हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हमने दिखाया हुआ था और वही नॉर्मल रिएक्शन हमने स्मॉल m में यूज किया था, ठीक है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली कितना है दोस्तों, इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टली वो है n sin थीटा, राइट। तो आपको बस यहां पर थोड़ा ज्योमेट्री देखनी है और 90 डिग्री थीटा आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल के साथ नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल है, राइट। तो n sin थीटा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वेज में और साथ ही साथ आप ऊपर देखेगा टेंशन लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो n sin थीटा को t सपोर्ट कर रहा है राइट हैंड साइड में एंड एक टेंशन अलोंग द इंक्लाइन है उसका कंपोनेंट पीछे की तरफ आएगा वो t cos थीटा होगा, राइट। तो जो इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स की वो होगी n sin थीटा प्लस t माइनस t cos थीटा एंड दैट इज द नेट फोर्स ऑन द वेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दैट इज इक्वल टू कैपिटल m into स्मॉल a, ठीक है। तो ये जो है तीन इक्वेशन हो गई है, एक इक्वेशन हमने वेज की लिखी हॉरिजॉन्टली और दो इक्वेशन हमने स्मॉल m की लिखी अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग वेज की इक्वेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसका कोई यहां पर औचित्य नहीं होगा, उसका कोई यहां पे जो है यूज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक नया वेरिएबल सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे अननेसेसरीली और वो वेरिएबल बाकी तीन इक्वेशन में नहीं है, राइट। तो वो इक्वेशन आप तभी लिखिए जब आपसे पूछा जाए कि भाई नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से क्या है, ऑलराइट। तो चलिए वो इक्वेशन भी हम लोग लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली हमने n sin थीटा लिया था तो वर्टिकली n cos थीटा होगा वेज पे, ठीक है। तो n cos थीटा प्लस mg, ओके, और यहां पर t sin थीटा आएगा, राइट। सो n cos थीटा प्लस t sin थीटा प्लस mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस जिसको n1 ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू 0, ओके, बिकॉज वेज का सारा एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टल ही है, वर्टिकली तो एक्सप्रेशन कर ही नहीं रहा है, राइट। तो इस तरह से आप देखेगा कि अगर आप इसको विजुलाइज कर लेते हैं तो बड़े आराम से इस तरह के सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप देखेगा कि वहां पे हमने मोर देन 1000 वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें आप बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स जान सकते हैं, ओके, थैंक यू।